अब हिंदी में आदरणीय राजमोहन गांधी जी, श्री देवतिया जी, मंदा बहन, और सभी भाई और बहनें जो इस सभागार के अंदर बैठे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। राजमोहन जी का सार गर्भित अध्ययन पूर्वक दिया गया संभाषण हमारे मनों में रहना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर कुछ और नहीं लगना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। पर अब मंदा बहन के प्रेम के कारण मुझे अध्यक्ष की जगह पर बिठा दिया है, तो फिर बिठाने का जो कुछ कहना पड़ता है, तो मैं इससे क्या सीखी हूँ जो अभी राजमोहन जी ने कहा, उतना मैं आपके सामने कहूँगी। मैं तो इतिहास की विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी ही नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये समझ में आता है कि इतिहास हमको सिखाता क्या है। आज सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ और किस चीज़ से क्या नुकसान हुआ समाज को, व्यक्तियों को नहीं, समाज को। अगर उसको हम ठीक से समझ लें और फिर उसके अनुसार अपनी बुद्धि को स्पष्ट कर लें, जिसको क्लियर विज़न कहते हैं, वो विज़न अगर हमको मिले उसके आधार पर, तो मुझे लगता है कि बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं, बहुत से संकटों से बच सकता है ये समाज। पर चूंकि जो हो जाता है पीछे उसको हम पीठ कर देते हैं, शायद उस समय में जब इस देश में ये इतिहास घट रहा था, लोग महसूस करते होंगे, लोग उसका उसको एनालाइज भी करते होंगे, उसका विश्लेषण भी करते होंगे और समझते भी होंगे कि अभी ये क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, या कहाँ कौन डिफीट हो रहा है और कहाँ कौन विन कर रहा है, ये भी वो समझते होंगे। लेकिन चूंकि उसको हम पीठ कर देते हैं, इसलिए आगे उसको नहीं ले जाते हैं। अभी हम इस सारे इतिहास में देखते हैं कि कहाँ किसकी किस मनोवृत्ति ने, या किसकी किस विश्लेषण ने, या किसके बुद्धि के किस आग्रह ने हमारे समाज में क्या पैदा किया। किसी मुस्लिम नेता ने मुस्लिमों के लिए कुछ वातावरण बनाने की कोशिश की, किसी हिंदू ने कुछ हिंदुओं के लिए वातावरण बनाने की कोशिश की, किसी ने हिंदू राज की बात कही, किसी ने मुस्लिम राज की बात कही, और उससे हमारे मानस बने जो हम इनहेरिट करते हैं, वो वहीं नहीं रहते हैं, हम इनहेरिट करते हैं। मान लो मेरे परदादा ने कुछ किया उस समय, वो भी मैं इनहेरिट करती हूँ, भले ही कॉन्शियसली नहीं भी तो अनकॉन्शियसली करती हूँ। तो अगर इतिहास इस तरह से विश्लेषित किया जाए जैसा राजमोहन जी ने किया अभी, तो मुझे लगता है कि तब हम समझ पाते हैं कि हम जो इनहेरिट कर रहे हैं वो कितना तटस्थ है, कितना निष्पक्ष है और कितना पक्षपात युक्त है। मेरे परदादा का पक्षपात मेरे साथ आ रहा है, ये महसूस होता है, ये समझ में आता है। और अगर हम उसको विश्लेषित नहीं करते हैं, लिखा है ना कि लेसन नहीं लेते हैं उस इतिहास से, तो फिर हम
जो इनहेरिट करते हैं उसमें अंधे होके चलते हैं, चाहे जातियों की बात हो, चाहे धर्मों की बात हो, चाहे संप्रदायों की बात हो, चाहे हमारे पास पड़ोस की ही बात क्यों न हो, मेरे और मेरे पड़ोसी की ही बात क्यों न हो, पर अगर हम विश्लेषित नहीं करते हैं तो हम जो कुछ कॉन्शियस अनकॉन्शियस में जो भी आया है, जो भी मिला है, उसको लेके चलते हैं और तब समाज को लाभ नहीं होता, समाज के हित की बात नहीं होती, समाज के अहित की बात होती है। तो मुझे लगा कि जिस तरह से हमने आज सुना, इस शाम को इतिहास को समझा, मेरे तो बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया कि जिंदगी भर एक काम करते हुए भी गांधी जी कितनी बार डिफीट हुए। एक बहुत शुद्ध भावना से काम करने वाला व्यक्ति, अपने लिए कुछ नहीं सोचने वाला, अपने साथियों से ही किस तरह से डिफीट होता है। इसलिए कोई ये नहीं सोच सकता, मेरा जैसा व्यक्ति जिसने 16वें साल को पूरा करने पर ही समाज में काम करना शुरू किया, तो आज मैं सोचूं कि नहीं, अभी सबको मेरी बात सुन लेनी चाहिए, सबको ये बात हो जानी चाहिए, और नहीं होगा तो मैं नाराज हो जाऊंगी या मैं कुछ और करूंगी। वो कहते हैं कि एक नई पार्टी भी शुरू नहीं की महात्मा गांधी ने, आज तो लोग इतने में नई पार्टी शुरू करते हैं। जरा सा इतना ही होना चाहिए, बस चुटकी भर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा पाठ है, खास करके मेरे अपने लिए कितना बड़ा पाठ है। तो मैं इस रूप में इसको समझने की मैंने कोशिश की। और दूसरा, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग चाहे पॉलिटिकली सोचते हो या चाहे कैसे भी सोचते हो, इतिहास को लाना चाहते हैं सामने। अभी मैं कुछ दिनों पहले, अभी शायद 2-3 सप्ताह पहले ही मैं बांग्लादेश गई थी, ढाका, वहाँ की सरकार के आमंत्रण पर उन्होंने बुलाया मुझको, और इसलिए बुलाया कि जयप्रकाश नारायण को सम्मानित करना है। और चूंकि गांधी पीस फाउंडेशन का एक संबंध था और बांग्लादेश के लिए जो कुछ जेपी ने किया उस समय में, गांधी पीस फाउंडेशन ही था जिसके आधार पर वो कर पाए, तो इसलिए उन्होंने बुलाया। और मैंने शेख हसीना से पूछा, मैंने कहा क्यों किया आपने, ये क्यों बुलाए ये 60-65 लोग जिनको आप सम्मानित कर रहे हैं, कोई जिंदा है तो वो आया है, कोई नहीं जिंदा है तो उसका बेटा आया, उसका भांजा आया, या उसकी बहन आई, उसकी पत्नी आई। और यहाँ तक कि मैं आपको आश्चर्य से कहती हूँ कि BSF में, उस समय आप जानते हैं कि BSF ने बहुत बड़ा रोल BSF के द्वारा किया गया था, भारत ने किया था, तो BSF का एक सिपाही, यंग जवान आदमी मारा गया था उसी समय में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से लड़ रहा था अपने लिए, अपना स्थान बनाने के लिए। तो उसकी पत्नी को बुलाया था, कौन सिपाही BSF का, वो कैसे मारा गया और उसकी पत्नी कहाँ है, उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड का ही वो आदमी था, नौजवान, तो उसको बुलाया था। कितनी खोज की, कहाँ कहाँ से लोगों को बुला लिया। तो शेख हसीना से मैंने कहा क्यों किया आपने ऐसा, उन्होंने कहा हमारे देश को अस्तित्व में लाने में कौन हमारे मित्र थे ये हमारी नई पीढ़ी को पता रहना चाहिए। अगर नई पीढ़ी ये नहीं जानेगी तो नई पीढ़ी सोचेगी अरे ये तो ऐसे ही मिल गया हमको, इसके साथ किसी का कोई पुरुषार्थ नहीं था, ऐसे ही मिल गया। मैं ऐसा ही कहती हूँ, गांधी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, पार्टीशन के लिए जिम्मेवार, फला फला, ये वो, दलितों का तो दुश्मन, क्या क्या बात कहते हैं।
लेकिन जब इतिहास को देखें और इस तरह देखें, उसके एक एक हिस्से को देखें, उस पर से निष्कर्ष निकालें कि ये क्या था या गांधी क्या बोल रहा था उस समय में, अगर इस तरह देखें तो शायद हमारे दिमाग स्पष्ट हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को इस तरह से समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। नई पीढ़ी इस तरह से समझे, नहीं तो कोई एक ने एक हवा उठाई तो अरे वो तो ऐसा था, हम बस उसी पर चल देते हैं। तो मुझे इस तरह से इस आज के शाम को ये जो इतिहास रखा वो बहुत समझने लायक और बहुत आवश्यक लगा है। एक बात और मुझे समझ में आई है, शायद ये बात तो थोड़ा और विस्तार से हमारे राजनेताओं के सामने बोलनी चाहिए, वो है जो लोकतंत्र का पाठ, किस तरह से हमको अगर सारे समाज और देश की समझ है, अगर हमको है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं अपने लिए नहीं, तो तब हमको किस तरह अपमान भी सहना पड़ेगा लेकिन फिर भी हम लोकतंत्र को नहीं छोड़ेंगे, हमको कष्ट भी उठाना पड़ेगा लेकिन हम लोकतंत्र के लिए काम करते रहेंगे, काम करना छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो कहती हूँ कि गांधी ने मृत्यु को भी वरण कर लिया उसी लोकतंत्र के लिए, तो वहाँ तक की कीमत देनी होती है, इतनी कीमत देनी होती है तब हम लोकतंत्र के लिए कुछ काम करते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। पर मैं सोचती हूँ ये केवल जो आज कर्णधार हैं सरकारों के या जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उन्हीं को नहीं, हम सबको भी समझनी चाहिए, इस हॉल में हम सबको समझनी चाहिए कि अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि लोकतंत्र हो इस देश में तो हमको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम चुकाते नहीं हैं, हम कहते हैं हमको ये मिलना चाहिए। तो ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आज मुझे समझने को मिला और उसको मैंने आपके सामने शेयर किया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, आप सब ने मुझे यहाँ सुना, सुनने का धैर्य रखा और एक प्रोफेसर को भी सुना और एक अनपढ़ को भी सुना, ये तो बहुत गजब की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मान बढ़ा है, आपने मुझे मान दिया है